तो जो आज हम इस वीडियो में लिविंग साइंस क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन है सोर्सेज ऑफ फूड, तो इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने इस चैप्टर को अगेन कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस में, क्लास सिक्स लिविंग साइंस में, वो सारे ही मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं इस चैनल के माध्यम से, और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी अलग से मैंने बनाया है। अगर आपने किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो उसका एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। तो चलो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है एक्सरसाइज के वो कंप्लीट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक्सरसाइज में हम स्टार्टिंग में देखते हैं चूज द आंसर्स हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से कौन प्लांट से ऑप्टेन होता है। तो राइस इसका राइट आंसर है क्योंकि बाकी सब एनिमल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अगला है विच ऑफ दीज इज ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो चीज़ एनिमल से ऑप्टेन होता है, बाकी सब प्लांट प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है विच ऑफ दीज इज फूड इंग्रेडिएंट डू वी नॉट गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ऐसा कौन सा फूड इंग्रेडिएंट है जो कि हम प्लांट और एनिमल दोनों से ही प्राप्त नहीं करते हैं, तो वो है आपका सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो आपके अर्थ से ऑप्टेन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट लिंक इन ऑल फूड चैन इज हर्बीवर्स। ठीक है, हर्बीवर्स मतलब प्लांट जो होता है सभी फूड चैन का फर्स्ट लिंक होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ईट्स फूड डाइजेस्टेड बाई अदर एनिमल्स, इनमें से कौन अदर एनिमल के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ईट करता है, तो उसका राइट आंसर है टैपवर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एनिमल्स डज हैव टीथ, इनमें से किस एनिमल के पास टीथ होते हैं, तो राइट आंसर है ईगल, ईगल के पास टीथ होते हैं। आगे हम बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है जो कि वन वर्ड है वो देखते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है नेम वन स्टेम दैट हैज फूड स्टोर्ड इन इट। ठीक है, तो प्लांट का जो स्टेम पार्ट है जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो एक स्टेम पार्ट है जिसमें फूड स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ह्यूमंस हर्बीवर्स कार्निवर्स और ओमनिवर्स, क्या ह्यूमंस हर्बीवर्स कार्निवर्स और ओमनिवर्स इनमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ओमनिवर्स, ह्यूमन जो है ओमनिवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है सम एनिमल्स यूजली ईट द डेड बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल्स। ठीक है, तो व्हाट दे आर कॉल्ड, तो ये स्कैवेंजर्स हैं। ठीक है, जो डेड बॉडी को ईट करते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम फूड चैन एंड ए हर्बीवर्स, ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है क्योंकि जितनी भी फूड चैन होती है वो एंड नहीं होती है, हर्बीवर्स से स्टार्ट होती है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंसेज इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड, तो वो आपके न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, तो नो। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स जो है सेम काइंड के फूड को ईट नहीं करती है, सबका फूड हैबिट डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है नेम द सोर्स वेयर वी गेट फ्रॉम इन्ग्रीडियंट यूज इन फूड। ठीक है, तो जो हम इन्ग्रीडियंट यूज करते हैं फूड को कुक करने के लिए, तो वो सारे इन्ग्रीडियंट कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, तो सोर्सेज, तो देखो फूड के जो है मेन सोर्सेज हमारे पास दो ही होते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, बाकी एक सोर्स और होता है अर्थ। ठीक है, जैसे कुछ सॉल्ट वगैरह या फिर कुछ मिनरल्स हैं वो अर्थ से ऑप्टेन होते हैं, बाकी कुछ प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, बाकी कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है वाई आर ग्रीन प्लांट्स नोन एज प्रोड्यूसर, देखो ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट एंड सीओ टू। ठीक है, फ्रॉम द एटमोसफेयर, यानी कि वो सनलाइट और सीओ टू का यूज करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करने के लिए सीओ टू और सनलाइट और वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के
थ्रू अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं, सो हमें इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेम थ्री प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। हमें तीन प्लांट्स के नेम बताना है जिनके पार्ट्स को हम ईट करते हैं, ठीक है। तो पहला हम बता रहे हैं आपको बनाना है। बनाना जो होता है वो एक फ्रूट है, एंड द सेंटर ऑफ स्टेम इज आल्सो ईटन। देखो बनाना का जो सेंटर पार्ट होता है वो स्टेम पार्ट होता है जिसको हम ईट करते हैं। लेस कॉमनली द फ्लोवर ऑफ द बनाना ट्री इज आल्सो यूज, ठीक है। और बनाना ट्री के जो फ्लोवर होते हैं वो भी एज ए फूड यूज किए जाते हैं। तो बनाना जो तो ट्री है उसमें दो तरह के पार्ट यूज किए जाते हैं, एक तो स्टेम पार्ट और एक फ्लोवर पार्ट, ठीक है। ऐसे कैरेट है, ठीक है, कैरेट जो होता है वो एक रूट पार्ट होता है, और राइस जो होता है वो ग्रेन्स, जो राइस होता है वो सीड पार्ट होता है, यानी कि बीज है, राइस सीड है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये है, इन वॉट वे इज ए स्कैवेंजर यूजफुल टू द एनवायरनमेंट। स्कैवेंजर हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस प्रकार यूजफुल है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है स्कैवेंजर्स जो होते हैं डेड रिमेंस को ईट करते हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, सो दे आर प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन द एनवायरनमेंट। अगर स्कैवेंजर डेड ऑर्गेनिज्म को ईट नहीं करेंगे तो बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, सो विच मे लीड टू बी आउट ब्रेक ऑफ डिजीज। देयर फोर स्कैवेंजर कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ठीक है। और अगर एक्यूमुलेट हो गई डेड बॉडीज तो डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो स्कैवेंजर जो होते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे कंज्यूम रिमेंस ऑफ डेड प्लांट्स एंड वल्चर्स है, ठीक है। वल्चर्स क्या है, एक स्कैवेंजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाई डज ए मॉस्किटो हैव मॉस्किटो नॉट हैव टीथ। मॉस्किटो के पास दांत क्यों नहीं होते, क्योंकि मॉस्किटो जो होता है रिले अपॉन ए लिक्विड डाइट। मॉस्किटो जो होता है वो लिक्विड डाइट पे रिले होता है, मतलब डिपेंड होता है, ठीक है। यानी मॉस्किटो को सिर्फ क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, एंड मेल, जो कि मेल मॉस्किटो जो होता है वो सिर्फ नेक्टर को यूज़ करता है प्लांट से। फीमेल जो होता है, ठीक है, वो फीमेल मॉस्किटो कैरिंग एग्स सिंस मॉस्किटो डू नॉट कंज्यूम द सॉलिड। यानी मॉस्किटो जो होता है कोई भी सॉलिड पार्ट को कंज्यूम नहीं करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो लिक्विड पार्ट को ही कंज्यूम करते हैं, सो इनको टीथ की नीड नहीं होती है, ठीक है, नो नीड ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वी गेट आवर फूड आइटम्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, डू यू एग्री। बिल्कुल एग्री है कि हम अपने फूड आइटम्स को या तो प्लांट या फिर एनिमल से ही लेते हैं। तो देखो, यस आई एग्री दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑल फूड दैट वी ईट, हम जो भी फूड खाते हैं आइदर डेराइव फ्रॉम प्लांट्स, या तो वो प्लांट्स से हो सकता है या फिर एनिमल्स से होता है, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि फूड के दो ही सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, ठीक है। बाकी कुछ केमिकल होते हैं जो कि अर्थ से होते हैं, तो वो भी एक सोर्स होता है। अब हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज हनी मेड, हनी किस प्रकार बनता है। तो देखो कुछ स्टेप्स हैं जो कि हनी को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। तो देखो पहला क्या है, फील्ड बीज, यानी कि बीज जो होती है उनमें फील्ड बीज होती है जो कि फील्ड में वर्क करती हैं, फ्लाई आउट फ्रॉम द हनी कॉम, यानी हनी कॉम से उड़ कर आती है, एंड फाइंड द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को फाइंड करती है, ठीक है, एंड दे फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ये फ्लाई करती है, उड़ती है, एंड सुक द नेक्टर, और नेक्टर को सुक करती है, ठीक है। नेक्टर जो होता है एक स्वीट जूस होता है, ठीक है, जिसका आगे जाके हनी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो वो नेक्टर को सुक करती है, और नेक्टर इज स्टोर्ड इन स्पेशल सैक इन देयर बॉडीज, यानी कि वो नेक्टर को अपनी बॉडीज में स्पेशल सैक बने होते हैं और वो स्टोर कर लेती है, ठीक है। वंस द फील्ड बीज रिटर्न द हनीकॉम, फिर हनी जो हनी बीज है
वो नेक्टर को सुख करके वापस हनीकॉम में आती है, एंड वो जो नेक्टर लाती है उसे हाउस बीज ईट करती है, ठीक है, विच एड एंजाइम फ्रॉम देयर बॉडी, यानी कि उस नेक्टर को हाउस बीज जो है ईट करती है, और वो अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स उस नेक्टर में ऐड करती है, वो नेक्टर जो होता है हनी में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है द हाउस बीज देन रेगुरगेट, यानी कि रिमूव फ्रॉम बॉडीज, यानी कि जैसे वो उसको ईट करती है उसके बाद में वो बॉडी से उसको बाहर निकालती है, रिमूव करती है, स्पिटिंग करती है वो, ठीक है, और उस स्पिटिंग से ही आपका जो है हनी तैयार होता है, ठीक है, जिसको वो हनीकॉम के सेल्स में स्टोर कर लेती है। लॉन्ग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनीवर्स, ठीक है। तो हर्बीवर्स कौन होते हैं? जो प्लांट ईटर्स होते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं। कार्निवर्स कौन होते हैं? जो मीट ईटर्स होते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो प्लांट को फीड करते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं, जो एनिमल के फ्लीज को फीड करते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, ठीक है, और ओमनीवर्स क्या होंगे? जो दोनों ही फीड करते हैं वो ओमनीवर्स होते हैं, ठीक है। हर्बीवर्स एनिमल्स हैव शार्प कटिंग टीथ, हर्बीवर्स एनिमल्स के पास शार्प कटिंग टीथ होते हैं और फ्रंट में एंड माउथ एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ, और इनके पास ग्राइंड करने के लिए फ्लैट टीथ भी होते हैं, ठीक है, जबकि कार्निवर होते हैं ना, कार्निवर के पास शार्प टीथ तो होते हैं, साथ में पॉइंटेड टीथ भी होते हैं जिन्हें हम कैनिंज कहते हैं, और वो टीयर करने में काम आते हैं, यानी कि फिलिस को टीयर करने में उसका यूज होता है, ठीक है। और जबकि हम बात करें ओमनीवर्स में, तो ओमनीवर्स में जो टीथ होते हैं ना वो कुछ इस टाइप के एडेप्टेशन होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टीथ होते हैं, ठीक है, हम क्या एक ओमनीवर्स है तो हमारे पास काफ़ी सारे टीथ होते हैं जो कि अपना अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, फूड के फंक्शंस क्या है? तो देखो भैया, फूड के तो बहुत फंक्शंस है। पहला फंक्शन देखो, फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी टू बॉडी, यानी फूड हम यूज करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, और एनर्जी का यूज हम डिफरेंट टाइप के वर्क को करने में यूज करते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हम एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे थिंकिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, जंपिंग है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द न्यूट्रिशन कंटेंट इन फूड हेल्प द बॉडी ग्रो, यानी कि फूड में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंड हमारे जो डेड सेल्स होती है या वर्न आउट जो सेल्स होती है उनकी रिपेयरिंग करते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट होता है उनका। थर्ड पॉइंट जो है, न्यूट्रिशन कंटेंट इन फूड आल्सो हेल्प द बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम, और हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को भी वो सेव करते हैं, ठीक है, और इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो हमें डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए पावर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका फूड, व्हाट इज द फूड चेन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो देखो इसका आंसर, ए फूड चेन इज ए सीक्वेंस दैट शोज हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड इन द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना जो फूड है वो उस एनवायरनमेंट में किस प्रकार से लेता है, ठीक है, यानी इंटरडिपेंडेंस को शो करता है कौन, फूड चेन, जैसे प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट पे जो डिपेंड होते हैं वो ग्रास हॉपर होते हैं, यानी ग्रास हॉपर प्लांट को ईट करते हैं, और ग्रास ऑपर को सिरो ईट्स करती है, उसको ऑयल ईट्स करता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर फूड चेन है। फूड चेन जो होती है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे ग्रास ऑपर को मान लीजिए, ग्रास ऑपर ग्रास को ईट करेगा, और ग्रास ऑपर को फ्रॉग ईट करेगा, फ्रॉग को स्नैक, स्नैक को वल्चर, तो वो भी एक फूड चेन होती है, ठीक है। इन द फूड चेन सोर्स प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सनलाइट यूजिंग CO2 एंड द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से वो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फूड को तैयार करते हैं, एंड द इसलिए हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और ग्रास ऊपर जो होता है वो ईट करता है प्लांट्स को, ठीक है, क्योंकि उसे एनर्जी प्लांट को ईट करने से ही मिलती है, इट इज देयर फॉर क्लासिफाइड एज द प्राइमरी कंज्यूमर, और जो हमारा ग्रास ऊपर है उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रास ऊपर जो होता है उसको ईट करता है कौन,
जो ग्रास ऊपर को ईट करता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। यहाँ पर श्रेव जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, क्योंकि वो ग्रास ऊपर को ईट करता है, ठीक है। और इसके ऊपर डिपेंड होता है कौन, कौन डिपेंड होता है, ऑल डिपेंड होता है, जो कि आपका थर्ड कंज्यूमर है। तो ऐसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इस चैन को, इस चैनिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, फूड चैन कहते हैं। आगे आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, हाउ द आर द टीथ ऑफ कार्निवर्स डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ हर्बीवर्स। कार्निवर्स के टीथ जो होते हैं हर्बीवर्स से डिफरेंट होते हैं, क्यों? तो देखो, कार्निवर्स जो होता है वो फिलिस को ईट करता है, यानी मीट ईटर्स होते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, तो उनके टीथ थोड़े डिफरेंट होंगे। तो देखो, कार्निवर्स एनिमल्स ईट द फिलिस ऑफ अदर एनिमल्स, वाइल हर्बीवर्स क्या करेंगे, एनिमल्स हर्बीवर्स एनिमल्स जो होते हैं प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं। सो टीथ ऑफ द कार्निवर्स एनिमल्स आर एडेप्टेड फ्रॉम टियरिंग फिलिस, ठीक है। और लो, कार्निवर्स के कुछ ऐसे टीथ होते हैं जो कि फिलिस को, यानी कि मांस को या फिर मीट को टियर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग होते हैं और शार्प भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें किलिंग करके प्रे को किलिंग करना पड़ता है। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें हर्बीवर्स की, तो हर्बीवर्स एनिमल्स के पास कटिंग वाले और टियरिंग वाले टीथ होते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं क्योंकि वो लीव्स को ही कट करते हैं, ठीक है। और क्रशिंग वाले होते हैं, ग्राइंड करने के लिए वो क्रश करते हैं, जो हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं वो। देयरफॉर हर्बीवर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ टू एनेबल देम टू कट लीव्स, यानी कि शार्प टीथ होंगे और जिससे हम लीव्स को कट कर सकें, एंड फ्लैट टीथ होंगे जिनसे हम क्या कर सकें, फूड को क्रश कर सकें। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के टीथ में, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट आर द पैरासिटिक्स एक्सप्लेन गिविंग टू एग्जांपल। तो देखो, पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट ए पैरासिटिक डिपेंड्स अपॉन द फूड इज नोन एज द होस्ट, यानी कि पैरासिटिक जिस एनिमल्स पर डिपेंड होता है वो होस्ट एनिमल्स होता है, ठीक है। द पैरासिटिक यूजली हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द होस्ट, यानी पैरासिटिक जो होता है वो होस्ट की हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, बिल्कुल होता है, इवन किल द होस्ट, ठीक है, वो होस्ट को किल भी कर सकता है। अब पैरासिटिक की बात करें तो पहला देख लो कसकटा, ठीक है। कसकटा एक प्लांट होता है जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, ठीक है। और इस ये किस टाइप का होता है, इसमें रूट लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो एक प्लांट पे डिपेंड होता है जिसको होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। और वहाँ से क्या करते हैं, ये कसकटा न्यूट्रिशन को सुक करता है, मतलब दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को सुक करता है होस्ट प्लांट से। एंड कसकटा प्लांट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड लीव्स, यानी कसकटा के पास कोई वेल डेवलप्ड लीव्स भी नहीं होती है। एंड रिले मोस्टली अपॉन एन होस्ट ऑब्टेनिंग फूड, यानी फूड को ऑब्टेन करने के लिए वो रिले होते हैं, डिपेंड होते हैं मोस्टली होस्ट प्लांट पर। एक और एग्जाम्पल देखें तो मॉस्किटो है, लीची है ना, बेड बग्स है, ये कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, क्योंकि ये भी अपने सर्वाइवल के लिए, ब्लड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे ह्यूमंस पे या फिर अदर एनिमल्स पे, ठीक है। सिंस दीज पैरासिटिक लिव आउटसाइड द बॉडी एंड द होस्ट, दे कॉल्ड एक्टो पैरासिटिक, यानी कि ये होस्ट की आउटर बॉडी पर ही रहते हैं, इसलिए इनको एक्टो पैरासिटिक कहते हैं। कुछ पैरासिटिक होते हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी में होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो होता है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखने हैं तो उसका जो लिंक है, एक मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हो कोई भी चैप्टर्स, या आप उसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।